नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पटर की, जिसको परवल भी बोलते हैं, उसकी सूखी सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दूसरे शब्द में उसको भुर्जी भी बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत बहुत जल्दी बनने वाली ये सब्जी है, और इतनी एक तो बहुत कम टाइम में बनता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है, और दूसरी चीज़ हर एक चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है, पूड़ी के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। बटर भुर्जी बनाने के लिए पहले तो हमने यहाँ पे फ्रेश बटर ले लिया है कुछ। अब इसको हमें काटना कैसे, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। हम दोनों साइड का ये कोना इसका निकाल देंगे, या तो आप इसमें सिर्फ दो पीस भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें चार भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी पतला आप कर सकते हैं, इतना पतला भी बना सकते हैं। तो मैं एक बटर में चार पीस कर रही हूँ, थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस कर रही हूँ। तो कोना साइड का बस ये निकाल के, और यहाँ पे बीज एकदम सॉफ्ट है, जिस बटर का बीज सॉफ्ट है उसका हम नहीं निकालेंगे, जिसका एकदम हार्ड होगा उसका हम रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारा बटर अपना काट करके रेडी कर लेंगे। बटर एकदम कट के रेडी हो गया है हमारा। कढ़ाई यहाँ पे मैंने रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल। अगर मैं आप सरसों का तेल खाते हैं ना, तो आप उसी तेल में बनाना बहुत टेस्टी होता है, नहीं तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा तेल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये सूखी सब्जी है। तेल गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे 1/3 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से तड़क गया है, अब इसमें हमारा डाल देंगे ये बटर। इसको अच्छे से हमें एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालना है हमें कुछ मसाले, बहुत ज़्यादा मसाला हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून में धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, और फिर स्पाइसी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। डाल के इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, और साथ में ही इसमें डाल देंगे नमक। नमक भी डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स करके हमें इसको कवर करके एकदम बटर एकदम सोना होने तक हमें पकाना है, मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम ज़्यादा मत करना, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे और बटर अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इसको कवर करके हमें एकदम सोना करना है सब्जी को। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एकदम सोना एकदम कुरकुरा हो गया है। अब इसमें हमें ना एकदम थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये सब्जी हमारी बनकर रेडी है। इसमें अब और कुछ नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ ना थोड़ा सा और इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और बहुत ही कम 1/4 टीस्पून हम मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। ये जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करके हमें बस 1 मिनट और देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी रेडी हुआ है हमारा। अब हम आँच को बंद करके सब्जी को निकाल देते हैं, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। ये रहा हमारे सब्जी का फाइनल लुक, और ये बेस्ट है लंच बॉक्स के लिए, और पकने में बहुत ही जल्दी ये सब्जी हमारा कुक होता है। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। जो रसेदार सब्जी होती है ना, उससे अच्छा ये सब्जी लगता है पटर की। देख के ही लगा होगा ना कितना आसान है बनाना, सचमुच है आसान। और इसकी प्लस पॉइंट ये भी है ना, अगर मैं आपको लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी कोई सब्जी ना समझ में आए ना, और टेस्टी सब्जी चाहिए, एकदम फास्ट बनने वाला सब्जी चाहिए, बटर है घर पे तो फटाफट इस तरह से आप बना सकते हैं। और ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए आलू पटर की हरे मसाले के साथ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग सब्जी होता है हरे मसाले के साथ भी ये सब्जी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।